बैकबाबाद के जमीयत उलमा पाकिस्तान जिला अहदेदारों ने यूपी के 72 साल यौमे तासीस का जश्न मनाया, जो यूपीए के मरहूम के प्रोपोगंडे का खराज तहसीन था, और यूपी कारकुनान ने इस निज़ाम को महफूज बनाने के लिए जदोजहद की। गुलाम दस्तगीर पठान, मौलाना मोहम्मद इसमाइल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी यूपी, हाफिज़ गनूर अली, रफ़ीक अहमद फ़खरी, इरफान गुनोलान, मौलाना नेक मोहम्मद तनूरी और दीगर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि निज़ाम मुस्तफ़ा ने अगले बल्दियाती इंतखाबात में मुकाबला किया। कैमरा टीम के साथ सदाम हुसैन चांडियो, HNN न्यूज़, जैकबाबाद। सुपर हाईवे अल हबीब रेस्टोरेंट के पास नादरन बाईपास के कट पर रॉन्ग वे आने से हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। मोटरवे की जानिब से सब्जी मंडी सुपर हाईवे पर 1 किलोमीटर फासले पर कट बंद करने से लोग अब 3 किलोमीटर रॉन्ग वे आने लगे हैं। लोडेड गाड़ियां जो रोज जमाली पुल से 12 किलोमीटर का फर्क पड़ चुका है, रात को पुलिस रॉन्ग वे आने वालों से फी लोडेड गाड़ी से 100 रुपए लेती है। ताजरों का मुतालबा था कि आला हुकाम रोड कट खोलकर मोटरवे पुलिस के मुस्तकिल कट पर तैनाती करे। नादरन कट पर रात को घुप अंधेरे में रोजाना वारदातें होती हैं। फोटेज में कट पर अपनी मदद आप लोगों को बाइक उठाकर सड़क क्रॉस करते देखा जा सकता है। इस सूरत हाल में हादसे की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शेर, HNN न्यूज, कराची। मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी कोरोना की तीसरी लहर। गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल मकली के 3 तलबा की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर स्कूल 5 रोज के लिए बंद कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ आशिक अली सुलंगी, HNN न्यूज, ठट्ठा।